तो अभी हम सीजन का क्या करें, फिर आपसे लें या नहीं? सीजन यार मेरे पास कोई सीजन नहीं है। फिर पिजन्स जो लकी पिजन्स थे ना, उनके दोनों बच्चे मर गए। शुरू करते हैं जी रब्बी जलील के बबरकत नाम से, जो दिल के हाल खूब जानते हैं। देखते हैं आपको सुनते कानों, आपको साफ रीत कर सलाम। तो क्या हाल है आपका यार? आज हमने जाने जुबी के सेटअप पर, उधर से हमने लाने अपना फीजन वापस, क्योंकि यार 4-5 दिन हो गए अपना फीजन सेटअप में नज़र नहीं आ रहा, कोई रौनक नहीं बांध रही सेटअप की। तो आज हमने लाना है उसको वापस। और यार मैंने आपको एक और बात बतानी है कि हमारे पिजन्स जो लकी पिजन्स थे ना, उनके दोनों बच्चे मर गए। मैं कल रात को आया हूँ गाड़ी पार करने के लिए, और वैसे ही मेरी जो है ना आदत सी है, मैं सब परिंदों को जो है ना देखता होता हूँ जब भी रात को आता हूँ। तो मैंने जब देखा है तो दोनों बच्चे जो है ना मर चुके थे, और पता नहीं मरे कैसे हैं यार, इतने प्यारे इतने हेल्दी बच्चे थे। मैं आपको रोज़ वीडियो में भी दिखाता था, तो इतने अभी जब मरे हुए ना तब भी वो इतने मोटे मोटे हैं। एक तो ये होता है कि कोई बीमारी की वजह से मरते हैं, तो फिर पता लगता है हाँ जी कमज़ोर हो गए, ये रात रात मरे हैं। तो ये देख लें, ये दोनों मैंने अभी बाहर निकाल के भी रखे हुए हैं। तो इतने मोटे मोटे दाने हैं, ये वाला मोटू है और ये वाला पतलू है। तो यार पता नहीं कैसे मरे हैं ये, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बेचारे इन दोनों के बच्चे थे जो दोनों मर चुके हैं अभी, शायद इन्होंने उसको सही करके हीट नहीं दी, तो वो जो है ना ठंड की वजह से मुझे लगता है मर गए। दोस्तों अभी हम जुबी के घर के पास आ गए हैं और चलते हैं उसके घर। ये देख लें जी, ये वाला सब घर है, और ये इसकी गली के बाशिंदे क्यों छोटे। तो अभी चलते हैं, ये उसके कबूतर उड़े हैं आसमान में, वो सारे नज़र आ रहे होंगे आपको। और अभी हम आ गए हैं जुबी की छत पे, ये देख लें सबसे पहले पैरट्स, फाहता, फिर जूबी हमारा। क्या हाल है यार? A1। यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ पे बजीज हैं, ठीक है। और अभी हम चलते हैं आगे। कहाँ पे है जी मेरा फीजेंट? तुम्हारा फीजेंट? हाँ जी। आप देते थे जैसे से क्यों कहा था तुम्हारा फीजेंट? क्यों कब्जा माफिया बनने का इरादा तो नहीं है? भूल गया था आपका। ये ये रहा जी हमारा फीजेंट। और इनके कुछ जोड़ी लगी हो? अच्छा चलो, मारे नहीं एक दूसरे को, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ ना, तो नहीं है बिल्कुल मारना बस। हाँ बस आप अच्छे ना बोलते हैं और कुछ करते हैं। देखिए मादी की धुम भी आ रही है पीछे से, ठीक है, जबरदस्त यार, इसकी धुम शुम पूरी हो जाए। बाकी चूजे चूजों को बाहर निकालो ना यार, क्या सारे बंद क्यों हैं आज आपने? हम सब बंद करते हैं, हम बोलते हैं इनको धूप ना लगे। अच्छा सर्दियों में तो लोग धूप लगाते हैं अपने परिंदों को, ये कुछ नौका सही सिस्टम है। हाँ ये रहे जी इसके लकी ब्लैक एंड वाइट लकी पिजन, ठीक है ना, ये देख लें। अच्छा ये ब्लैक वाला न्यू लाए हो? नहीं ये वही है, जबरदस्त यार, बहुत परफेक्ट जोड़ी बनी है इनकी। और ये इनके चुनु मुनु, क्या है चुनु मुनु ही है ना, टॉम एंड जेरी। ये आ गए तीनों, ये माशाल्लाह तीनों लेके दिए थे हमने जुबी को, और माशाल्लाह सही पाल रहे हैं यार इनके पास। मुर्गी भी कितनी हेल्दी हो गई हो, जो मैंने लेके दी थी इतनी कमज़ोर सी थी। चूजे भी माशाल्लाह सही खा रहे पी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पिजन्स भी। जुबी कोई नए पट्टे आए हैं आपके पास? नहीं यार, ये ऊपर तो दो नीचे नए नज़र आ रहे हैं मुझे। कौन से नए? ये दो ऊपर ये वाले, ये दो पट्टे नए नहीं है? ये घर के पट्टे हैं, मैं अच्छा बाहर से नहीं लाया। नहीं नहीं ये दोनों बड़े मजे के हैं यार माशाल्लाह। क्या मेरे वाले दोनों लकी बच्चे मर गए हैं यार? कैसे? उनको लगी है ठंड, शायद ये कुछ ऐसा सीन हुआ है रात को, मतलब इतना था कि मैंने बंद किए थे सुबह, रात को आके देखता हूँ मरे हुए पड़े थे दोनों। ऊपर बैठते नहीं है ना इनके, ये तो मसला है। अच्छा लकी नहीं बैठते? इतना नहीं बैठते तभी ना, मैंने नोट किया था काफी टाइम से वो बैठ नहीं थे, जब से बच्चे निकाले उन्होंने ये मसला हो रहा था। इसी वजह से मैंने अभी इनको बंद किया हुआ है ना, फुल बंद है ये। अच्छा यही मसला है, क्योंकि ये ना अंडों के ऊपर इतना बैठते हैं ना बच्चे के ऊपर। मतलब अंडे दे तो अंडे एक्सचेंज कर लेने चाहिए। हां अंडे एक्सचेंज कर लो जरा, इतने प्यारे मेरे पास दो बच्चे आए थे, वो दोनों भी मर गए हैं। तो जो अगली बार दे उनके अंडे एक्सचेंज। नहीं अभी मैंने सोचा हुआ अंडे देंगे तो मैं अंडे उठा लूंगा, जब तक नए पिंजरे नहीं बन जाते मैं ब्रीड निकलवानी नहीं है। बाकी और कोई बच्चे आए हुए इस टाइम? नहीं और कोई भी नहीं है जी, सारे जोड़ा है वहाँ पर रखा हुआ, उसने अंडे दिए हुए मेरे। अच्छा वो जोड़ा मैंने जिस दिन लाया उसी दिन उसने अंडे भी दे दिए मेरे पास। फैंसी या कोई फुल वाइट? तो उधर भी चलते हैं, आपको बजीज भी दिखाते हैं जुबी के, और अपना फीजेंट भी लेके जाना है हमने। क्यों जी? जी है जी आवाज नहीं जुबी की आवाज यार, इनके कान का प्रॉब्लम है जी, तो इनके कान भी काफी छोटे छोटे हैं ना, इसलिए ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। ये क्या है? वाह यार ये मैंने उस दिन जुबी की वीडियो देखी थी, बड़ा मजे का ये पिंजरा बना है। देख के ना ये कील है। अच्छा ये कील भी लगाई हुई है भाई, डेंजरस है भाई जोड़ा मेरा।
अच्छा इधर इन्होंने दो पिंजरे बना लिए। दो पिंजरे, इसमें क्या है? इसके अंदर वाइट लगे हैं। अच्छा ये जोड़े लगवाने के लिए पिंजरा बनाए? जोड़े लगवाने के लिए। दोस्तों कितने मजे का आइडिया है यार ये वाला। ऐसे डगे जो मिलते हैं ना, ये कितने के? 300 के ना? 220 का एक मिल जाए। 220 का मैक मिले। ये देखें एक डगा यहाँ, फिर दो का छत, दो तीन चार पाँच छह, ये दो पिंजरे बन गए। पाँच के दो पिंजरे बने। अगर ऐसे डबल मंजर बनाए फिर तो परफेक्ट हो जाएगा। हाँ ये भी आसान है। हाँ सीधे सीधे यहाँ पे जाली लगाई, वो भी गंडी हुई है। जबरदस्त काम है यार ये तो। ये मेरा भी प्लान है जोड़े लगवाने के लिए, मैं भी ऐसे पिंजरे बनाऊंगा। दो बना लो। ये असल में मैंने बनाया मुर्गियों के लिए, ये बनाया मैंने पोतों के लिए। अच्छा वहाँ से मुर्गियों को शिफ्ट करूंगा मैं इधर, ताकि यार वहाँ पर पोते रख सको, कुछ और कुछ चीज रख सको। सही सही सही। और ये अंडे दिए हुए इसने? अंडे दिए हुए। ये मादी की इतनी बुरी हालत क्यों है यार? ये असल में दोनों गंदे हुए हैं। उसने जिस तरोड़े में लाए थे वो तरोड़ा काला था। अच्छा वो जब उसने बाहर निकाले तो उसे तब पता चला। ओहो सफेद कबूतर को गंदे कर दिए हैं यार। कोई नहीं, एक दो बार नहाएंगे सेट हो जाएंगे। पानी छानी रखो। वो तीन अंडे पड़े हुए हैं नीचे, तो दो अंडे इनके अपने, एक अंडा मैंने खुद रखा है इनका। चलो यार वो तो एक अंडे पे भी नहीं बैठ रहे, तीन अंडे तुमने रखे हुए हैं यार। बैठेंगे, ये भी उठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद जाके बैठ जाएंगे, सब भूखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना पीना खिलाऊंगा ये बैठ जाएंगे। जबरदस्त, वो गए, ये जा रहे, ये जा रहे, ये बैठ के अंदर। और आज बजीज भी आपके देखने हैं यार, तो ये देख जाओ अंदर। इस साइड से, इस साइड से रास्ता है, इस साइड से रास्ता है। ये रहे जी बजीज, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा भी प्लान है यार बजीज का, ऐसी कॉलोनी बनाऊंगा पूरी, जिसमें जो है ना हम अंदर जाया करेंगे पूरा, फिर आपको जो है ना सारी अपडेट दिया करेंगे। किधर हो? और भी है? नहीं, ये है जी बजीज का केज, माशाल्लाह। डोलियां थोड़ी है यार वैसे। असल में बीच में एक आध जोड़ा मेरे पास मर गया था। अच्छा ये वाली ये जी फैलो? नहीं नहीं, एक आदमी मरा, काफी सारे मरे मुझे ऐसे लग रहे हैं। बहुत काम है। दो जोड़े मैंने निकाले हैं, क्योंकि पहले एक जोड़े ने अंडे और दूसरे जोड़े ने उस अंडे के उठा के अंडे बाहर फेंक दिए थे। अच्छा। वो जोड़ा उठा के मैंने नीचे वाले में डाल दिया था। सही। हाँ नीचे भी दरअसल वो उधर रखे हुए आपने, उसके अंदर जो जो जोड़े यहाँ मस्ती कर रहा था वो सारे जोड़े हमने उधर डाले हुए। अच्छा तभी मैं कहूँ इतने काम है, वो सारे कोई इधर वाले रखे हुए, कोई डिफरेंट रखे हुए। ठीक ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक मादी नजर आई अंदर, अंडे दिए हुए जबरदस्त। इसमें भी अंडे हैं, उस ब्लू वाली में भी अंडे, इसमें भी ब्लू वाली में भी अंडे, इसमें भी अंडे हैं, फिर इसमें अंडे। इसमें दूर से दिखाई देते हैं आपको, ये रहे जी। तो ये कितने कितने दिन हो गए बैठे हुए बच्चे निकाल? 15-17 दिन हुए अभी, मतलब कोई जल्दी ब्रीड भी आने वाली है माशाल्लाह। सेटअप मजे का। ये देखे अंडे, दर्जन अंडे मुझे निकाल दो ऐसे से यार। ये वो तुम ले जाओ, ऑमलेट आ जाएगा आज दिन। ऑमलेट आ जाएगा गंदे तरके हुए अंडों का, वो तुम ही खाना, मैं नहीं खाता। चलो जी बाहर चलते हैं अभी हम, और इस छत को सीधा तो करते हैं यार, इसमें मतलब पानी बढ़ेगा तो फिर और ही गंद बनेगा। ये लगी हुई है ऊपर सारा सीमेंट डाला हुआ है, सीमेंट और रेत। आज मैंने इधर लगानी है ईंटे। अच्छा ईंटे लगाओ, लस मिट्टी ला के बस ले लगा लो यार, आगे पीछे दोनों साइड से मिट्टी लगानी, फिर ये परफेक्ट बन जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। ऐसे मेरे कहते डबल मंजर बनाओ कसम से, सब कबूतर जी के जोड़े लगाओ, कोई मसला ही नहीं है, रखते जाओ और बनता जाएगा, बनता जाए। तो अभी हम सीजन का क्या करें फिर, आपसे लें या नहीं? यार मेरे पास कोई सीजन नहीं है, आप मेरी ऑडियंस से पूछते हैं, मेरे पास सीजन नहीं है। वो क्या था फिर? वो मुर्गियां, मुर्गियां। अच्छा तो फिर आज मुझे सीजन नहीं दे रहे आप? अच्छा ये फीजेंट मैं ले जाऊँ उसकी जगह पर, तीनों मैं ले जाऊँ? छोड़ यार, ये मेरे पास है ऑलरेडी, दो सेटअप में जो है ना मुर्गियाँ मेरे पास पड़ी हैं। तो फिलहाल यार आप रख लो कुछ दिन के लिए, बाकी हम इंशाल्लाह ले जाएंगे। कुछ 5-10 दिन के अंडे आ जाएं, फिर उसके बाद पाँच, ये अभी पट्टी है, ये अभी कम से कम 5-6 महीने लगाएगी। कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, खड़ी भी इंशाल्लाह अंडे भी देगी, बच्चे भी देगी, सब कुछ करेगी। आप टेंशन, चलो ठीक है यार, इनके पास ही रहने देते हैं हम। तो ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इनका जो है ना गोल्डन हेड, गोल्डन क्या कहते हैं इसको, रिंग नेक फीजेंट है, ये देख लें, ये रिंग नेक फीजेंट। तो वैसे इसका जोड़ा लगना तो नहीं है इसके साथ, क्योंकि हमारी जो मादी है वो ग्रीन वुड है और बिल्कुल ही अलग ब्रीड है इससे, लेकिन देख लें कोई मिक्सचर बन गया तो ठीक है। हाँ ना, जिस तरह ये बने हुए बड़ा मजे का बन रहा है जोड़ा। बस ये इधर मैं इनकी ब्रीड का वेट कर रहा हूँ, ये तो ब्रीड कर दे मजा आ जाएगा, कोई अजीब सी फैंटेल वाले आ जाएंगे मजे के। हाँ मजा आ जाएगा, ये देख लें जबरदस्त हो गया। तो इनके लिए थोड़ी बड़ी पिंजरे नहीं बनाई यार आपने? ये इस पिंजरे के जहाँ से दोनों उठा के जो मेरा बड़ा वाला पिंजरा मैंने खाली किया है, इनको उधर शिफ्ट करूंगा। हाँ ये भी ठीक है यार, वैसे अगर यहाँ पे आप जो है ना वही वो डगे लगा के ऊपर ऐसी पिंजरा बना के बीच में इनको छोड़ दें, वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल,
ऐसे लगा लें सर। ऐसे बड़ा पिंजरा होता है ना, ये ब्रीड करते हैं, छोटों में नहीं करते। अभी हम जैसे 3-4 दिन पहले गए थे एक बंदे की तरफ सेटअप में, उसने बड़े बड़े पिंजरे बनाए थे इस तरह का, फिर बड़े पिंजरे में खुश होकर ब्रीड करते हैं। तो फिर हम जो है ना इनको यहीं पर छोड़ देते हैं यार बस। फिर तो जो भी आप रख लो तो बस ठीक है यार, वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। ये कि कुछ अर्से बाद हम जो वापस ले जाएंगे, क्या पता दोनों अर्से मतलब 5-6-10-12 साल बाद क्या पता दोनों को हम ले आए अपने सेटअप में, क्या पता लगता है जुबैर सो रहा होगा, मैं पीछे से ले जाऊंगा जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा ऐसे क्या लिए थे, कबूतर लिए थे ना जो आगे ले गए थे। हाँ तो इसी तरह हम दोबारा ले जाएंगे, कोई मसला भी नहीं, अपना घर है यार। मानो ऊपर से मैं ताला लगा के सोता हूँ, आते हो हजार बार आओ चाबी मेरे यहाँ डटी होती है, वो टॉम एंड जेरी की तरह खा जाते हो, वो टॉम एंड जेरी की तरह खाई भी होती है और वो तुम निकाल भी नहीं पाओगे। चलो कोई नहीं, हम जो है ना जुगाड़ कर लेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं यार, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।